अब इसमें बड़े पीछे देखें तो x minus 1 का स्क्वायर इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, रखना इसको भी कांस्टेंट के नीचे ये पहले एक तरफ, ओके हम इसमें तो लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 3x plus 1 x minus 1 का स्क्वायर इनटू x minus 2 इक्वल टू। अब ये जो स्क्वायर है इसको कैसे डील करेंगे, अब स्क्वायर जो है इसको हमें दो बार लिखना पड़ेगा, a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये जो स्क्वायर वाली रकम थी इसको एक दफा पावर 1 के साथ लिखेंगे, एक दफा पावर 2 के साथ लिखेंगे, लेकिन अगर यहां पे 3 आ जाता फिर हम क्या करते, फिर हम एक दफा 1 के साथ, एक दफा 2 के साथ, एक दफा 3 के साथ लिखेंगे, सही हो गया। चलिए इसको तो हमने लिख लिया, अब हमारे पास बच गया x माइनस 2, अब इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे c ओवर x माइनस 2। बात समझ आ गई, जब होल स्केयर आए तब ये होल स्केयर पावर 1 के साथ फिर 2 के साथ फिर जो बच गया x माइनस 2 इसको c के नीचे। अब बाकी वही तरीका, इसका इजाफे का क्या होगा, ये सारा इजाफे का ही होगा ना, सारी मसावात ये नीचे वाला, तो इसी को आपने मसावात के तमाम हिस्सों के साथ जरब लेनी है। कितने हिस्सों के साथ जरब लेनी है, 1, 2, 3 और 4। तो x माइनस 1 का होल स्केयर इंटू एक्स माइनस 2 जरब, पहले ही सब बोल देनी x2 माइनस 3x प्लस 1 x माइनस 1 का स्केयर x माइनस 2। अब लाफेकल को या एलसीएम को दूसरे हिस्से के साथ हम जरब देंगे, समझ आ रही है। अब इसी तरह एलसीएम या मुजाफे में तो तीसरे हिस्से बी वाले के साथ जरब करेंगे, तो x माइनस 1 का स्केयर x माइनस 2 जरब बी बटा x माइनस 1 का होल स्केयर। अब इसी तरह मुजाफे में तो तीसरे हिस्से के साथ जरब करेंगे, तो x माइनस 1 का स्केयर इंटू x माइनस 2 जरब सी बटा x माइनस 2। अब कैंसिलेशन करेंगे जी, ये x माइनस 1 का स्केयर x माइनस 1 का स्केयर x माइनस 2 x माइनस 2, इधर से x माइनस 1 की पावर 1 है और इधर स्केयर है, ऐसे ही है ना, तो ये स्केयर का मतलब है कि ये x माइनस 1 दो बार है, तो ये एक खत्म हो जाएगा बाकी एक बचेगा हमारे पास। यहां से x माइनस 1 का स्केयर x माइनस 1 का स्केयर और यहां से x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी इधर से हमारे पास बचा x की 2 माइनस 3 x जमा 1, इसके बाद इधर हमारे पास बचा a इंटू x माइनस 1 और x माइनस 2 जमा इधर क्या बचा b इंटू x माइनस 2 और आगे हमारे पास इधर क्या बचा जमा c इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसको हम इक्वेशन 1 रख लेते हैं। अब हमने ये जो a के नीचे x माइनस 1 है इसको हम बराबर 0 पे रखेंगे और हल करेंगे, x की कीमत निकाल के इक्वेशन 1 में दर्ज करेंगे। इसके बाद ये दूसरी रकम x माइनस 1 का स्केयर आती है, इसको हम 0 के बराबर नहीं रख सकते, ठीक हो गया। जो पावर 1 वाली होगी सिर्फ उसको बराबर 0 पे रख सकते हैं, उसके बाद हम इसको बराबर 0 पे रखेंगे x माइनस 2 को, और फिर हम a b c जो भी कीमत हमारे पास निकल आए, ठीक हो गया। तो ये दो स्टेप पहले हम करेंगे, पहले इसको 0 के बराबर रख के हल करेंगे, फिर इसको 0 के बराबर रख के हल करेंगे। तो देखें पहले है हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और माइनस 1 का क्या क्या हो गया प्लस 1। अब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जिधर जिधर x माइनस 1 है वहां 0 लग जाएगा और x की जगह पे 1 हो जाएगा। तो अब ये सारी कीमतें, ये दोनों कीमतें मसावात एक में दर्ज करते हैं, तो यहां पे x की जगह पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू x की जगह पे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इधर देखें x माइनस 1 आ रहा है, तो जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यहां पे लगेगा सारी को 0 कर देगा ना, यस सर। बात समझ आ रही है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, जब x माइनस 1 की जगह पे 0 लगेगा तो सारी को 0 कर देगा, तो ये a वाली सारी 0 हो जाएगी। आगे b वाली देखते हैं, अब b में x माइनस 1 होगी तो यहां पे सिर्फ x की कीमत लगेगी, x की क्या कीमत है 1, तो b इनटू 1 माइनस 2 जम। अब c के बाद आगे देखें फिर x माइनस 1 का स्केयर है, और जबकि x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखा हुआ है हमने, x माइनस 1 बराबर 0 पे,
यहां पे जब जीरो लगेगा तो सी को भी जीरो कर देगा, लिहाजा यहां पे भी जीरो आ गया। अब ये 1 प्लस स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू ये जीरो तो खत्म हो गए, b इनटू 1 माइनस 2 माइनस 1 और 1 प्लस 1 2 2 माइनस 3 b इनटू माइनस 1। अब 2 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 1 इज इक्वल टू b इनटू माइनस 1, माइनस 1 इज आपके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1 इज इक्वल टू b, तो माइनस माइनस भी खत्म हो गया और 1 1 b वो तो 1 ही होगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है प्लस 1, b की वैल्यू हमारे पास प्लस 1। अब हमने इसको बराबर 0 पे रखा और हमें b की वैल्यू मिल गई। अब हम c के नीचे जो है ना x माइनस 2 इसको बराबर 0 पे रखेंगे, तो देखें इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, ये था x माइनस 2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू। अब ये जो दोनों कीमतें हैं अब इनको हम पहले इक्वेशन में दर्ज करते हैं, ठीक है, तो जहां पे x माइनस 2 है वहां पे 0 लग जाएगा, इधर भी और इधर भी, तो x की जगह पे क्या लगेगा 2, तो पहले हम इक्वेशन 1 को यहां पे लिख लेते हैं ताकि हमें जरा आसानी रहे समझने में, a इनटू x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस b इनटू x माइनस 2 प्लस c इनटू x माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए अब यहां पे x की जगह पे क्या लगेगा 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 3 इनटू x की जगह पे फिर 2 लगा जमा a बराबर a इनटू, अब यहां पे x माइनस 2 है तो ये हिस्सा तो 0 नहीं हो जाएगा क्योंकि x माइनस 2 बराबर 0 क्या ना, तो ये हिस्सा तो a वाला 0 हो गया, जब हम b वाला देखते हैं b में भी x माइनस 2 है तो ये b वाला हिस्सा भी 0 हो गया, इसका मतलब अब c वाला बच गया हमारे पास, तो c में x की जगह पे हमने क्या लगाया 2 लगा, तो वहां पे हो जाएगा 2 लगी 1 का स्क्वायर, ये 2 का मतलब 4 3 2 का मतलब 6 जमा 1 बराबर c इनटू 2 लगी 1 क्या होगा 1 और उसका ऊपर स्क्वायर, इसके बाद 4 जमा 1 5 लगी 6 बराबर c और 1 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है, तो 5 लगी 6 लगी 1 बराबर c इनटू 1 छोड़ दें हमें c, तो ये c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है। अब हमारे पास b और c दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जबकि अभी हमारे पास a की वैल्यू नहीं है। अब पहली मशीन में जो तरीका बना था यहां तक तो सेम था, लेकिन अब दूसरी मशीन में जो डिफरेंस है वो यहां से शुरू होता है, इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब हम नया काम करने लगे हैं जो सिर्फ 4.2 में इस्तेमाल हुआ 1 में नहीं हुआ, तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो x की 2 नफी 3 x जमा 1 बराबर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें a इनटू x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2, जब इसको सॉल्व करें माइनस 3x हो जाएगा ना, तो माइनस 3x प्लस 2 जमा b इनटू x माइनस 2 इस जमा c इनटू x की 2 जमा 1 नफी 2x, ठीक हो गया। अब हमने दोनों बल्कि पहले ना ये जो कांस्टेंट है इनको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लिया आपके लिए जरा आसानी होगी, ठीक है, x स्क्वायर नफी 3x जमा 1 बराबर ax स्क्वायर माइनस 3ax जमा 2a, तो bx नफी 2b जमा cx की 2 जमा c नफी 2cx, तो a को भी तीनों के साथ सर्व कर लिया, b को भी दोनों के साथ और c को भी तीनों के साथ। अब हम जो नया तरीका करने लगे पहले तो इसको इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करेंगे नए तरीके में, उसके बाद हम दोनों तरफ से सबसे बड़ी पावर कौन सी है दोनों तरफ x की 2 ही है, तो हम लिखेंगे कि x स्क्वायर के 38 रनों का मुआवजा करने से x स्क्वायर के 38 रनों का मुआवजा करें, आप इस साइड पे x स्क्वायर का 38 रन क्या है सिर्फ एक ही x स्क्वायर है ना, और उसका 38 रन क्या है 1 बराबर, अब दूसरी साइड पे देखें कितने x स्क्वायर है 1 और 2 2 ही है ना, तो इस x स्क्वायर का 38 रन क्या है हमारे पास ए, दूसरे का क्या है जमा c, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई और इसमें हमने c पहले निकाला हुआ
सी क्या निकला हमारे पास, सी की वैल्यू माइनस वन है, और वो सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते सी की जगह पे, तो वन इज इक्वल टू ए और इधर आ गया माइनस वन, तो वन इज इक्वल टू ए माइनस प्लस माइनस वन, माइनस वन को इधर ले आओ तो ये वन और ये आ गया हमारे पास ए की वैल्यू आ गई टू। ये देखें अभी हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू मिस थी ऐसे ही है ना, और हमने एक्स स्क्वायर कैल्कुलेशन का मुआवजा किया और ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। यस सर। लेकिन अगर हमें अभी समझ लेना अगर हमारे पास बी होता उसकी वैल्यू भी चाहिए होती फिर हम क्या करते, फिर हम इससे एक स्टेप और आगे जाते, फिर हम एक्स के अधिसरों का मुआवजा करते, अगर फिर भी कोई वैल्यू रह जाती फिर मुस्तकिल रकमों का हम मुआवजा करते, ठीक है, तो तब तक मुआवजा करते जाएंगे और एक एक कीमत जो है वो निकलती जाएगी आपकी, या फिर आपके पास एक एक इक्वेशन आती जाएगी वापस में इक्वेशन साथ होंगी और ए बी सी की कीमतें निकलती जाएंगी, ठीक हो गया। तो अभी हमारे पास एक कीमत मिस थी और उसके लिए हमने एक्स स्क्वायर के अधिसरों का मुआवजा किया और वो कीमत हमारे पास आ गई। अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये जो इक्वेशन है इसको लिखेंगे हम, तो हमारा फाइनल आंसर होगा ये हमारे पास है ना a बटा x माइनस वन प्लस b बटा x माइनस वन का स्क्वायर प्लस c बटा x माइनस टू। अब यहां पे a b c की कीमत लगा दे तो a की कीमत क्या है हमारे पास, वो है दो, तो यहां पे होगा बराबर दो बटा x माइनस वन और b की जगह पे क्या होगा, ये हमारे पास 1 है b, तो वो होगा 1 over x minus 1 का स्क्वायर और c की जगह पे क्या होगा माइनस 1, तो यहाँ पे दरमियान में माइनस लगा रहे c बटा x minus 2, तो ये हमारा आंसर आ गया इसमें a b c की इनको कांस्टेंट के नीचे रख देंगे तो ये x plus 2 का होल स्क्वायर है, एक दफा पावर 1 के साथ a के नीचे रखेंगे, a के नीचे पावर 1 के साथ, ठीक हो गया, और फिर b के नीचे x प्लस 2 की पावर 2, ठीक हो गया, समझ आएगी नहीं, होल स्क्वायर था ना, a के नीचे पावर 1 के साथ b के नीचे पावर 2 के साथ जमा c के नीचे x प्लस 3, ठीक हो गया। अब हम ये जो ज़ाफ़े का लाया ये बटे के नीचे रखना है, इससे सारी इक्वेशन को ज़रब करेंगे ताकि हमारा बटा खत्म हो जाए, तो उसको अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगा, तो अगर x प्लस 2 होल स्क्वायर x प्लस 3 को हम ज़रब करें सारी इक्वेशन के साथ तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर जमा सात एक्स जमा ग्यारह, अब इस रकम को एक साथ जरूर करेंगे तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और पावर 1 बचेगी, एक x प्लस 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे पावर 2 है तो हमारे पास क्या बचेगा, a इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। अब b के नीचे है x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो यहाँ से फिर होल स्क्वायर खत्म होगा, सिर्फ बचेगा b के साथ x प्लस 3। इसी तरह से c के साथ सिर्फ x प्लस 3 कैंसिल होगा क्योंकि उसके नीचे x प्लस 3 है ना, इसमें से x प्लस 3 जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम इक्वेशन वन रख लेंगे, बिल्कुल पहले की तरह हम a के नीचे x प्लस 2 है इसको जीरो रख सकते हैं और x प्लस 3 को जीरो रख सकते हैं, तो इन दोनों को जीरो रखने से हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, तीसरी वैल्यू के लिए हमें इक्वेशन वन को सॉल्व करके इसकी जो है ना एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट का मुआवजा करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, a के नीचे x प्लस 2 है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज मसावात में पुट करें, x की जगह पे गए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू x की जगह पे माइनस 2 प्लस 11 इज इक्वल टू, अब x प्लस 2 0 है ना, एक ये x प्लस 2 वाली है और एक ये x प्लस 2 वाली है, ये दोनों जीरो नहीं हो जाएंगी, x प्लस 2 की कीमत यहाँ पे जीरो लगाए तो ये सारी जीरो हो गई और b इंटू, तो यहाँ पे x प्लस 2 की वैल्यू जीरो लगेगी तो ये वाला भी जीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और ये 7 और माइनस 2 माइनस 14 और प्लस 11 ये 0-0 तो खत्म हो गए, तो b इंटू माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 क्या होगा 0, अब 11 जमा
चार क्या होगा, 15 नदी 14 बराबर बी इंटू ए, 15 नदी 14 एक बराबर बी, ठीक हो गया। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई ए, तो इसको बराबर 0 के रख के हम हल कर चुके। अब हम x प्लस 3 को बराबर 0 के रख के हल करेंगे, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई -3। अब ये दोनों वैल्यूज हम फिर पहले की तरह इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो देखें x की जगह पे क्या लगेगा, -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 7x है, तो x की जगह पे फिर -3 प्लस 11 इज इक्वल टू, अब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 3 पहली भी आता है और दूसरी भी आता है, तो यहां पे जब 0 लगेगा इस सारे को 0 कर देगा, b के साथ b x प्लस 3 है, तो वहां पे जब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो b भी 0 हो जाएगा। आगे c की बात करते हैं, अब x की जगह भी क्या लगाएंगे हम, -3, तो -3 प्लस 2 इस सारे का होल स्क्वायर है ना। अब देखें -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और ये 7 का -21 जमा 11 ये 0, c इंटू -3 प्लस 1 प्लस 2 ये क्या होगा, -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, तो अब 11 और 9 क्या होगा, 20 माइनस 21 बराबर c इंटू -1 का स्क्वायर है +1, तो 20 माइनस 21 क्या होगा -1, और ये एक को वैसे छोड़ देंगे c बचेगा, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास है -1। अब हमने क्या कर दिया, अब हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करके हल करके तो फिर हम x स्क्वायर का मुआजना करेंगे, क्योंकि अभी b और c मिला है, अभी हमें a नहीं मिला, तो a निकालने के लिए इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे और x स्क्वायर के प्रतिसमों का कोफिशिएंट का मुआजना करेंगे। तो ये x स्क्वायर जमा 7x जमा 11 से a इनटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें x + 2 और x + 3 इनको मल्टीप्लाई करने से आएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अब जमा b इंटू x प्लस 3 जमा c इंटू इसका मरबा कौन है x प्लस 2 का, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, इसका मरबा कौन है, जिस तरह a जमा b का मरबा लिखा होते a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, तो x स्क्वायर जमा 4 जमा 4x। अब हम ये जो कांस्टेंट है a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, c को भी करेंगे, तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर जमा 7x जमा 11 ax स्क्वायर, a को 5x के साथ करेंगे जैन क्या आएगा 5ax, a को 6 के साथ करेंगे 6a, bx प्लस 3b, cx स्क्वायर 4c प्लस 4cx। अब हम x स्क्वायर के 38 का मुआजना करेंगे, क्या लिखेंगे x स्क्वायर के 38 का मुआजना करें। अब बताएं इस साइड, इस साइड पे x स्क्वायर का आंसर है हमारे पास 1 बराबर, इस साइड पे है 1, पहले हम अंडरलाइन कर लेते हैं x स्क्वायर और रखने के लिए 1 2 3, तो उस साइड पे सिर्फ 2 रखते हैं, एक के साथ ये आता है दूसरे के साथ जमा c आता है। अब बताएं a c में से कीमत हमारे पास है ना, कौन सी है, c की है, इसका मतलब हमारा काम बन गया फिर, तो c की कीमत हम यहाँ पे लगा देंगे -1 -1, तो a -1 -1 इस साइड पे आके +1, तो a की वैल्यू आ गई 2, ठीक हो गया। अब हमने जो a b c की शक्ल में लिखा था उस इक्वेशन को लिखते हैं, a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 3। अब a b c की कीमत यहां पे लगा दें, a की कीमत हमारे पास 2, 2 बटा x जमा 2, b की कीमत हमारे पास है 1, तो 1 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू है -1, तो -1 ओवर x प्लस 3, तो ये हमारा आंसर है। तो इसको कांस्टेंट के नीचे रखेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो पहले x माइनस 1 को रखेंगे a के नीचे, फिर x माइनस 1 होल स्क्वायर को रखेंगे b के नीचे, तो क्या होगा a बटा x माइनस 1 जमा b बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर जमा c बटा x प्लस
ठीक हो गया। तो अब हम ये जो नीचे वाली रकम है इसको जरब देंगे ताकि बटा खत्म हो जाए। तो जब ये सारी रकम इसी के साथ जरब होगी तो 1 बचेगा, और जब ये सारी रकम एक के साथ जरब होगी तो x माइनस 1 का मतलब खत्म होगा, हमारे पास आएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। जब जब ये सारी रकम इसके साथ b वाले के साथ जरब होगी तो x माइनस 1 का स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो b इनटू x प्लस 1। और जब ये c के साथ होगी तो x प्लस 1 और x प्लस 1 खत्म होंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब हम ये लीजिए हमारे पास है x माइनस 1 बराबर, इसको x माइनस 1 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई 1। अब ये दोनों कीमतें इक्वेशन 1 में दर्ज करें, यहां पे तो 1 ही रहेगा a into, अब x माइनस 1 0 है तो ये 0 हो गया। अब जमा x माइनस 1 यहां पे नहीं आता, यहां पे x की वैल्यू क्या लगेगी 1। तो x की जगह पे 1 प्लस का b into 1 प्लस 1। अब c की c में भी x माइनस 1 है और x माइनस 1 हमने 0 रखा हुआ है तो c भी 0 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू यहां पे बचेगा b into 1 प्लस 1 2। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा तो b की वैल्यू आ गई 1 ओवर 2। तो अब हम c के नीचे जो x प्लस 1 है उसको 0 रखेंगे क्योंकि हम रखने वाले को तो 0 रख नहीं सकते, इसको रखेंगे 0। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी माइनस 1। अब ये दोनों कीमतें हम इक्वेशन 1 में दर्ज करेंगे तो जहां पे x प्लस 1 होगा वो तो वैसे 0 हो गया, एक ये 0 हो जाएगी a वाली और एक b वाली। तो 1 इज इक्वल टू ये a वाली 0 हो गई जमा b वाली 0 हो गई और c वाली में x की जगह पे क्या लगेगा बताइए जरा, माइनस 1 माइनस 1 ये होगा c इनटू माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू c इनटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू c इनटू माइनस 1 का मतलब क्या होगा प्लस 4, माइनस का मतलब प्लस हो गया 2 का मतलब 4 हो गया। तो 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगी c की वैल्यू 1 ओवर 4। अब फिर पहले की तरह b की वैल्यू के लिए हमें इक्वेशन 1 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 इज इक्वल टू a इनटू, अब ये देखिए एक फार्मूला बन रहा है x माइनस 1 x प्लस 1 क्या होता है, ये a माइनस b और a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पहला फार्मूला है। तीसरा फार्मूला तो ये होगा पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर जमा b इनटू x प्लस 1 जमा c इनटू x माइनस 1 का स्क्वायर खोले जरा, a माइनस b का मतलब कैसे खोलते हैं, a स्क्वायर जो b स्क्वायर माइनस 2a बराबर। तो देखिए भाई पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, इसके बाद माइनस 2 a और b यानी x इनटू 1 x ही आएगा। 1 इज इक्वल टू a x स्क्वायर माइनस इधर 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, तो a मल्टीप्लाई होके a ही आएगा, b x प्लस b प्लस c x स्क्वायर प्लस c माइनस 2 c x। अब आप पहले की तरह x स्क्वायर का मुआवजा करें, x स्क्वायर के अगदी सरों का मुआवजा करें। अब बताएं इस साइड पे x स्क्वायर है तो जिधर x स्क्वायर नहीं होता वहां पे उसका अगदी सर 0, यहां पे अगदी सर क्या आएगा 0, और इधर x स्क्वायर का अगदी सर क्या है a और यहां पे क्या है c, यानी कि x स्क्वायर में ये दो ही अगदी सर थे हमारे पास a जमा c, इस साइड पे तो 0 था ना। अब a c आ गया हमारे पास जबकि c की कीमत हमारे पास मौजूद है और a की चाहिए, तो c की कीमत वहां पे लगा दें 0 इक्वल टू a प्लस 1 ओवर 4, और 1 ओवर 4 इस साइड पे आ गया होगा माइनस 1 ओवर 4 इक्वल टू a। तो ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। अब हम ये a b c वाला लिखते हैं और इसमें कीमत पुट कर देते हैं, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 1। अब a b c की कीमतें पुट करें तो देखें a की कीमत है माइनस 1 ओवर 4, माइनस तो पीछे आ जाएगा और ये ऊपर 1 है और नीचे 4 है ना, ऊपर 1 है नीचे 4 है, तो 4 कैसे लिखेंगे देखें जरा, ऊपर तो आ गया 1 नीचे आएगा 4 * x - 1,
ठीक हो गया। नीचे वाली नीचे वाले रकम के साथ आएगी, ऊपर वाली ऊपर आ जाएगी। जमा बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है 1/2। अब यहाँ पे क्या रहेगा बताएं जरा, 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू है 1/4। तो फिर पहले की तरह क्या होगा, ऊपर 1 आएगा और नीचे 4 इंटू एक्स प्लस 1। ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये उल्टा होल स्क्वायर तो नहीं ना, तो फिर इसमें वो फार्मूला नहीं लग सकता कि इसको दो बार लिख लें। ठीक है, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर 1 का, ये देखो एक्स स्केयर माइनस 1 है, एक्स का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, ये हो गया ना ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी तरह से ये किसके बराबर होगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। फार्मूले की समझ आ गई ना, तो अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, मान लो मतलब इसकी जगह पे आएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां पे देखें तो x प्लस माइनस 1 वैसे ही x प्लस 1 और x प्लस 1 जब हो रहे हैं वो हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर की शक्ल में आ गया, अब हम a इसी के नीचे लिखते हैं a बटा x माइनस 1 जमा b बटा x प्लस 1 जमा c बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका बटा खत्म करने के लिए बटे के नीचे ये रकम है इससे ज़रब दे दें तो ये तो सारी कैंसिल हो जाएगी, 1 बचेगा। जब a के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल होंगे तो क्या आएगा, a इंटू एक्स प्लस 1 तो का होल स्क्वायर। x प्लस 1 और x प्लस 1 की पावर 1 एक और कैंसिल हो जाएगी ना, x प्लस 1 की पावर 2 है और बटे के नीचे x प्लस 1 है तो एक पावर बच जाएगी, हमारे पास बचेगा x माइनस 1 और x प्लस 1। तो यहाँ से x प्लस 1 का स्केयर होल स्केयर वो होल स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x माइनस 1 बचेगा। अब हम a के नीचे x माइनस 1 पहले इसको जीरो रखेंगे, फिर b के नीचे x प्लस 1 इसको जीरो रखेंगे, फिर जरूरत पड़ी बल्कि जरूरत पड़ेगी और फिर हम इसके तीसरों का मुआवजा भी करेंगे। तो पहले x माइनस 1 को जीरो रखें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 1। ये दोनों की इतने इस इक्वेशन 1 में दर्ज कर रहे हैं तो x माइनस 1 की वैल्यू किधर है, ये x माइनस 1 है और ये x माइनस 1 है, इसका मतलब है यही सम 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू a इनटू x की वैल्यू क्या लगेगी, 1 प्लस 1 का स्क्वायर जमा b वाली भी 0 c वाली भी 0। 1 इज इक्वल टू a इनटू 2 उसका भी स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू a और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 1/4 इज इक्वल टू a, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। तो अब हम x प्लस 1 को 0 रखेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक हो गया, अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो 1 इज इक्वल टू, अब x प्लस 1 किधर किधर आता है, यहाँ पे x प्लस 1 आ रहा है, x प्लस 1 बराबर 0 है ना, यहाँ पे x प्लस 1 है ये 0, यहाँ पे x प्लस 1 है ये भी 0, a वाली भी 0 हो जाएगी b वाली भी 0 हो जाएगी तो 0 प्लस 0 अब c वाली बचेगी तो 1 की x की जगह पे क्या लगेगा माइनस 1 माइनस 1 तो 1 इज इक्वल टू c इनटू ये हो गया माइनस 2 और माइनस 2 इस साइड पे आके डिवाइड हो गया तो c की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 ओवर 2। तो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, अभी एक वैल्यू हमारे पास बाकी है लेकिन 0 के बराबर रखने के लिए कुछ भी नहीं, अभी एक वैल्यू का बाकी है लेकिन 0 के बराबर हम क्या रख लिया, कुछ भी नहीं बचा ना, इसको तो नहीं रखना, इसको रखने का मतलब यही है। तो अब हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर a इनटू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x जमा b into, अब ये देखिए फिर फार्मूला बन रहा है x माइनस 1 और x प्लस 1 किसके बराबर होता है, x स्क्वायर माइनस 1, ऐसे है ना, पीछे इसी को फॉलो था ना, ये लिखा रहे थे तो जमा c into x माइनस 1 तो ये हो गया ax स्क्वायर जमा a जमा 2ax जमा bx स्क्वायर नफी b जमा cx नफी c। अब x के तीसरों का मुआवजा करें
इधर x स्क्वायर का आंसर क्या होगा 0 और उस साइड में x स्क्वायर का आंसर क्या है a और साथ उसके क्या आएगा जमा b। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए a की पहले आ चुकी है और c की आ चुकी है तो हमें b की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू पुट करें इसमें a की वैल्यू 1 और 4 है ना तो हमारे पास लगेगा 1 और 4 प्लस b तो 1 और 4 इधर आ जाएगा माइनस 1 और 4 बराबर b। तो अब ABC वाली इक्वेशन लिखें जिसमें कांस्टेंट रखे थे तो वो इक्वेशन हमारे पास a ओवर x माइनस 1 जमा b ओवर x प्लस 1 जमा c ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 ओवर 4 तो यहां पे क्या आएगा 1 ओवर 4 इनटू x माइनस 1। b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 1 ओवर 4 तो अब दरमियान में माइनस लगा ले 1 ऊपर आ गया और 4 नीचे। c की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 1 ओवर 2 तो यहां पे माइनस लगा ले माइनस 1 ओवर 2 इनटू x प्लस 1 का